मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़भवन बेल रोड क्लेमैन टाउन में गढ़वाल भात्र मंडल संस्था द्वारा आयोजित गढ़ कौथिक मेला 2022 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समलून नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि हमारा राज्य कल्चरल हब और विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बने, इसके लिए हमारी सरकार लगातार कार्यरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल भात्र मंडल संस्था के सदस्यों को भव्य कार्यक्रम हेतु शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के मेले और कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति, गायन और नृत्य के बारे में पता चलता है। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि हमें अपने पूर्वजों से अपनी संस्कृति, सभ्यताओं के बारे में जानना चाहिए, इसी के साथ उसे विरासत के तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक मेले हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं, उनके संरक्षण से हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हैं। उन्होंने कहा इस बार पूरे राज्य में इगास त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ऐसे ही प्रयासों से निश्चित रूप से हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा राज्य प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल, मैदान, पर्वतों से भरपूर है। यह राज्य विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं से बना है। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य कल्चरल हब और विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बने, इसके लिए हमारी सरकार कार्यरत है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। बड़ा कल्चरल हब बनकर उभरेगा हमारा प्रदेश, इसके लिए हम सबको व्यापक प्रयास करना होगा। और वैसे भी ये भूमि हमारी, जहाँ संस्कृति की भूमि है, धर्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, योग की भूमि है और देव भूमि है, तो हम सब लोगों ने ये संकल्प भी लेना है कि आने वाले वर्षों में ये केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उत्तराखंड को जाना जाए, उत्तराखंड को माना जाए। राज्य सरकार द्वारा भी राज्य की संस्कृति, मेलों, उत्सवों के संरक्षण के लिए लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज भारतवर्ष की संस्कृति हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः परम वैभव की ओर जा रही है। सबसे बड़ा